एक शहर में एक स्वीटी नाम की औरत रहती थी। ऐसे तो स्वीटी बहुत ही खर्चीली स्वभाव की व्यक्ति थी, क्योंकि उसका खर्चा ही सबसे बड़ा था। वो सोचती थी कि मैं जो भी मॉल में जाऊं, जो भी चीज़ें पसंद आती हैं, उन सारी चीज़ों को मैं खरीद लूं। परंतु स्वीटी का पति उतना पैसा नहीं कमाता था जिसके कारण से उसकी खर्चे पूरे हो सके। अब स्वीटी इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज रहने लगती है और एक दिन मार्केट से स्वीटी वापस आती रहती है, तभी उसका एक आदमी पीछा कर रहा होता है। स्वीटी को पता चलता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। स्वीटी तुरंत रुक जाती है और पीछे मुड़ के बोलती है, हेलो भैया, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? अरे बहन जी, मैं पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको एक ऑफर देने के लिए आ रहा था। कौन सा ऑफर? अरे स्वीटी जी, मुझे आपका नाम भी पता है और ये भी पता है कि आप पैसे की तंगी से परेशान हैं, तो मैं आपका निवारण करने आया हूँ। आपको ऐसा ऑफर बताने वाला हूँ जिससे आप मालोमाल हो जाएंगी। स्वीटी इस बात को सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, ठीक है तो जल्दी बताइए कौन सा ऑफर है। देखिए स्वीटी जी, मैं एक दलाल हूँ जो लड़कियों की दलाली करता हूँ। अगर जो आप चाहें तो मैं आपको नए कस्टमर के पास भेज सकता हूँ, जिससे आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे और आपको जो मन में आए वो खरीद पाएंगी। स्वीटी जब इस बात को सुनती है तो उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है और गुस्से में ही बोलती है, आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं गैर मर्द के साथ कैसे सो सकती हूँ? अरे स्वीटी जी, लाइफ में कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। अगर जो आपको पैसे चाहिए तो इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं भी तो फोकट का आपको पैसा दूंगा नहीं। स्वीटी बेचारी इस बात से मान जाती है। अगले दिन उसके बताए हुए अनुसार उस होटल रूम में जाती है। अरे थैंक गॉड आप आ गई, कस्टमर भी आपका वेट कर रहा है, जाइए और आइए तो मुझसे पैसे ले लीजिए। स्वीटी कस्टमर के पास चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब आती है तो वो दलाल उसे बहुत सारे पैसे देता है। स्वीटी का ऐसे ही धीरे धीरे मन बढ़ता जाता है। एक दिन उसका पति सोचता है, यार मेरी पत्नी इतनी सारी पैसे कहाँ से लेके आ रही है, जो इतने सारे शॉपिंग कर रही है, मुझे पता करना होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और एक दिन स्वीटी जब घर से निकल के जाती रहती है तो उसका पीछा उसका पति करता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है कि मेरी पत्नी क्या कर रही है। शाम को जब उसकी पत्नी घर आती है तो उसका पति बोलता है, ऐसा है तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, यहाँ पे तुम्हें रहने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी चरित्रहीन निकलोगी। तभी उसकी पत्नी बोलती है, हाँ हाँ मुझे भी नहीं रहना है तुम्हारे साथ, ऐसे भी तुमने आज तक दिया क्या है, और ऐसे भी आज तक तुम मेरे शौक पूरे कर नहीं पाए हो और मुझे तुम आग दिखा रहे हो। अरे तुम क्या मुझे निकालोगे घर से, मैं खुद जा रही हूँ। और ये कहकर उसकी बीबी घर छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।